आज मचेगा तगड़ा तहलका। आज जन्मदिन है मेरी प्यारी आंटी का। तो इंडिया का सबसे तगड़ा मॉल एक ये वेगस मॉल, वो आंटी जी का ही है। 51 ढोल वाले भाई आज तक किसी बर्थडे पार्टी में आपने नहीं देखे होंगे, आंटी के बर्थडे पे। जी हाँ दोस्तों, अभी 11 ढोल वाले भाई है, जब 51 हो जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों जन्मदिन की ऐसी डेकोरेशन पे लग गया 1 करोड़ रुपए। ओए हो दीपिका, इतना प्यारा केक, जल्दी आ शाम जल्दी आ। उनको 10 कैरेट का हीरा चाहिए था। ओह हो दिया, पुच्ची कर दिया, सनी बटन पहल का बता दिया। ओए होए इतना प्यारा तोहफा। तो आंटी के जन्मदिन पे एक और प्यारा सा गेस्ट, इशारा दे रहा हूँ आपको मैं, बहुत बड़ी स्टार है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आज मचेगा तगड़ा तहलका। आज जन्मदिन है मेरी प्यारी आंटी का। जी हां दोस्तों, आप सोच नहीं सकते आज के जन्मदिन पे, आंटी के जन्मदिन पे इतना तगड़ा तहलका, ऐसा जन्मदिन आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। और आंटी कौन है? हमारी आंटी हमारी किंग। जी हां दोस्तों, क्वीन है वो। हाँ क्वीन है वो। और हाँ दोस्तों, इंडिया का सबसे तगड़ा मॉल एक ये वेगस मॉल, वो आंटी जी का ही है। मैं कह रहा हूँ आज आंटी जी का बर्थडे जो बनने जा रहा है ना, आपने ऐसा बर्थडे नहीं देखा होगा दोस्तों। 51 ढोल वाले भाई बचाएंगे तगड़ा तहलका। ये घूमने जा रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी भाई आने वाले हैं। बाकी बताएगी दीपिका कैसी कैसी तैयारी कर रखी है हमने। मैं कह रही हूँ आंटी को ना आज इतना हैप्पी कर देंगे भाई, अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हैं। बस आंटी खुश होनी चाहिए और बर्थडे आंटी का बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल जैसे आंटी स्पेशल, वैसे बर्थडे स्पेशल। जितना प्यार आंटी ने दिया है कम समय के अंदर, उससे तगड़ा तहलका उनका बेटा वो जाके दिखाएगा आज। राहुल भाई उनके बेटे हैं जो कि दुबई से दिल्ली आ चुके हैं अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। राहुल भाई कौन है? राहुल भाई की दुबई में चलती है लग्जरी गाड़ियां, हाई लेवल की। एक ही कंपनी है दुबई के अंदर जो रेंटल गाड़ियां देती है, रेंटल। मैं कह रहा हूं दोस्तों राहुल भाई की कंपनी का नाम नीचे आ रहा। दुबई जाओ तो भाई की गाड़ी बुक करो, जो गाड़ी आपको चाहिए, 5 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, भाई देगा आपको रेंट पे। दुबई में एक ही नाम है, राहुल गंगवानी। और राहुल भैया की इंस्टा आईडी जा रही, जिन्होंने उनकी मौज देखनी है ना, फटाफट से जाके फॉलो कर लो और देख लो कि वो कितनी तगड़ी मौज करते हैं दुबई में। यस, और हाँ दोस्तों ऐसा बर्थडे भी तो बहुत कुछ होने वाला, देखते रहो बर्थडे कैसा है तहलका बर्थडे। ये रहा प्यारा सा केक और ये रहे तगड़े तगड़े बॉम्ब शॉम, जो कि ज्यादा नहीं फूटेंगे, थोड़ा सा रूल को फॉलो करेंगे हम। और भाई कहाँ पर है? भाई साहब पूछते, भाई साहब 40 ढोल वाले भाई कहाँ रह गए? रास्ते में। कहाँ पे अपना, किस नाम से बैंड है? जय बडोलिस है, जय बडोलिस। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, पटेल नगर में। यार ड्रेस बड़ी प्यारी प्यारी पहन रखी है आपने यार, बहुत सुंदर लग रहे सारे भाई। बर्थडे आंटी का ऐसा ढोल बजाना है, सारी जिंदगी में आज तक आपने ना बजाया हो वैसा ढोल बजाना है। 51 ढोल वाले भाई आज तक किसी बर्थडे पार्टी में आपने नहीं देखे होंगे, आंटी के बर्थडे पे। जी हाँ दोस्तों, अंजू आंटी के बर्थडे पे वेगस मॉल की ओनर, तहलका तगड़ा, इंडिया का एक ही तगड़ा मॉल वेगस मॉल जो कि द्वारका में है, उनकी ये ओनर है आंटी। ऊपर आने वाली, राहुल भाई लेकर आएंगे, भाई को बोलते हैं और एंट्री करवाते हैं, तहलका मचाते हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी डांस बाकी है और बहुत सारे सरप्राइज बाकी है, बने रहना आप। सही है दोस्तों, ऐसे ऐसे इंतजाम कर रखे हैं। अभी देखना इतना तगड़ा धमाका जन्मदिन पे आपने नहीं देखा होगा। और तैयारी करो तो कैसी करो, तहलका भाई जैसी। तहलका भाई ने आंटी के जन्मदिन में ना तहलका बता देना, तगड़े वाला तहलका आज। और इतने ढोल वाले भाई आए ना, इतने ढोल वाले भाई कि आज ना दिल्ली के अंदर ढोल ढोल बजेंगे। ढोल कैसे बजेंगे? स्टार्ट। ढोल वाले भाई है, जब 51 हो जाएगा तो क्या होगा?
अभी 11 ढोल वाले भाई आए हैं, 51 होगा तो क्या होगा? तो आंटी जी के बर्थडे पे कोई लाइन प्यारी सी? आंटी की प्यारी सी बेटी, मेरी प्यारी बहन आ चुकी है। कितनी खुशी है आपको अपनी मम्मी के बर्थडे की? बहुत खुशी है। कितनी खुशी? बहुत। ये खुशी शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। और एक और बात बताओ दीदी, आंटी दिन पर दिन इतनी सुंदर होती कैसे जा रही है? हाँ, सुंदर कैसे हो रही है हमारी आंटी, ये बताओ। ये दीदी को पता है पक्का? ये हमारे सलोन का कमाल है। ओ तेरी, ब्यूटी हब जनकपुरी, दिल्ली का सबसे तगड़ा सलोन, जो कि मेरी बहन देखती है, तगड़ा सलोन, इससे बड़ा सलोन कोई नहीं दिल्ली के अंदर। अब आंटी की एंट्री हो रही है, देखो तहलका कैसे मचेगा। मतलब ऑनर है भाई, ब्यूटी हब की। अब आंटी आ गई, आंटी आ गई। ओ मेरी बच्ची खड़क गया, खड़क गया ना छाप पे, और नाचेगी आंटी है बर्थडे वाली जी। आंटी जी ये वो हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। हाँ, हमारी नानी जी है। नानी जी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जन्मदिन तगड़ा मच गया? बहुत अच्छा है जी। बोलो तहलका मच गया? तहलका मच गया जी। बहुत बढ़िया। आप कटेगा मेरी प्यारी आंटी का केक। शेक।
दोस्तों मेरी प्यारी बहन ने बहुत अच्छी नीचे डेकोरेशन की हुई है, क्या कुछ सरप्राइज है बहन? बहुत सारा सरप्राइज है। ओ तेरी, दोस्तों इतना प्यारा बर्थडे यार, मैं कह रहा हूँ इतना कुछ देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों अगर बर्थडे सेलिब्रेट करो तो ऐसा ही करना जैसा हम कर रहे हैं। और दीपिका कुछ कहना चाहती है, सुन लो। गाइज मेरे को तो बस यही टेंशन हो रही है कि यार सन्नी, जब मैं मतलब आंटी की एज पे हो जाऊंगी तो क्या मैं इतनी सुंदर रहूंगी? हाँ, रहेगी। बस इसको बड़ी टेंशन रहती है सुंदरता की, हो जाएगी। नहीं तो ब्यूटी हब है ना बहन का, मैं तो दीदी के पास तो आती रहती हूँ। मैं तो भाई तभी जनकपुरी ब्यूटी हब में जो नहीं आया ना, सुंदर हो ही नहीं सकता। लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आओ तहलका मचाओ भाई। सब सारी सर्विसेज है यहाँ पे, फेस हेयर सब मिलता है यहाँ पे, कि जो आपको कराना फटाफट से आके करा लो। और इतना पास में मेन रोड जो सेल, मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी मशीनें हैं इंडिया में किसी सैलून में नहीं मिलेगी आपको, इसी जगह मिलेगी जनकपुरी में। राहुल भैया सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। तो तहलका मचाओ, दिल्ली से फोटो करा लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, दुबई चले जाएंगे। दुबई वही कर रहे हैं हम। आज इनका भी बर्थडे है, ये भी बहुत स्पेशल है, आंटी के सबसे क्लोज है, ये सबसे क्लोज। आप भी आ जाओ। Happy birthday to you. सबसे पहला केक किसको? ऐसा क्यों जल्दी बताओ? इसका बर्थडे है आज। इसका भी बर्थडे है। इसका भी बर्थडे है। वाह जी वाह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इसके बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिला था, उसका भी बर्थडे है। अच्छा, बेबी का भी बर्थडे है ना? क्या नाम है आंटी बेबी का आपके? रोमियो। रोमियो, ये वही है जो अभी अभी फेमस हुए थे। अच्छा जी, हाँ। क्या बात है, वो जो वीडियो में है। ये छोटो पकड़ो आंटी। लव भगवान के लिए सन्नी भाई जिंदा रहे, अगले बर्थडे तक मार पिटाई ना हो जावे। दादा भाई रो मारती को है मोटी। बुआ दीदी, नानी को भी दो, तुझे भी खाना ही चाहिए। नहीं नहीं सब के बारे में नानी नहीं खाएगा। मेरी बेटी छोटू। दोस्तों जन्मदिन की ऐसी डेकोरेशन, डेकोरेशन पे लग गया 1 करोड़ रुपए। दोस्तों 1 करोड़ की डेकोरेशन जन्मदिन पे। अच्छा दोस्तों आ जाओ अंदर, आओ अंदर आओ, डेकोरेशन देखो। ये देखो दीदी ने डेकोर कराया अपनी मम्मा के लिए। अंकल जी कुछ कह रहे थे, मैंने सुन लिया। क्या कह रहे थे अंकल जी आप? तहलका मचा दिया, धर्म पत्नी को प्यार भी कर दिया और बातों बातों बोल भी दिया कि सन्नी बेटा, तहलका मचा दिया, बहुत जबरदस्त। ये वाली फोटो दिखाओ। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना क्या आपने इतनी प्यारी डेकोरेशन कभी देखी है किसी के जन्मदिन पे? नहीं सनी, डेकोर तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें फीलिंग्स जुड़ी होती है ना, जब एक बेटी ने अपनी मदर के लिए करवाया तो ये फीलिंग्स इसमें छलक रही है पूरे ढंग से, कि हाँ मम्मी के लिए पूरी जाल लगा दी है। क्या बात है, जबरदस्त। ओए होए दीपिका, इतना प्यारा केक, जल्दी आ शाम जल्दी आ भाई साहब, इतना सुंदर केक। ये बहन ब्रिटेन से मंगवाया, कहां से मंगवाया केक? अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका से मेरी प्यारी सी बहन ने केक मंगवाया है अपनी मम्मी के लिए। अंकल जी क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को क्या तोहफे में दिया? तोहफे में धर्मपत्नी को जो पसंद था वो दिया। क्या बात है यार, एक बार अंकल दोबारा बोल दो, जरा इनके कान में पड़ जाना चाहिए। धर्मपत्नी को जो पसंद था वो दिया। उनको 10 कैरेट का हीरा चाहिए था, वो दिया। क्या बात, सीख लो। आपके लिए मैं जानबूझ के दोबारा बुलवा रही थी कि आप मेरे को एक नकली बैग देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। दोस्तों अंकल ने इतना प्यारा हीरा दिया है,
वो उसको दिखा सकते हैं अंकल जी हम कैमरे में? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आंटी उठा लाएंगे? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अरे सच में अंकल गिफ्ट किया है? मैं तो लग रहा था आंटी को हीरा बोल रहे हैं वो। नहीं नहीं, आंटी तो हीरा है ही है। डायमंड्स गिफ्ट करे हैं। ओए होए, इतना प्यारा तोहफा। व्हाइट डायमंड इयररिंग्स हैं क्या? इयररिंग्स। अरे आसनी, मेरे को इतने छोटे आंटी के पास देखो, कितने बड़े बड़े इयररिंग्स हैं। 8 साल बाद दिलवा दूंगा दीदी। अच्छा गाइस, ये 31वें एनिवर्सरी पे दिए हैं। बर्थडे पे? 51वें बर्थडे पे। आपको सन्नी भैया क्या मैं बढ़े ना, इससे बड़ा लेके देंगे। क्या बात है, थोड़ी होता है। अब आपकी आपका टाइम कुछ ऐसा है, ऐसा है बेटे, सुनो बेटा, ये साइज बर्थडे के साथ साथ ग्रो करता है। क्या अच्छा? बात है। हाँ, तो आपका जितना बड़ा बर्थडे है उतना बड़ा मिलेगा। अच्छा, मेरे को ऐसे चाहिए। ठीक है ठीक है, अब बर्थडे पे 51वें बर्थडे पे सही, लेकिन मिले तो सही भाई। नहीं मिले, चलो। तो जब आप दुबई से इंडिया पहुंचे, आपको लग रहा था कि इतना तगड़ा स्वागत हो सकता है आपका, आपकी मम्मी इतना कुछ करेगी आपके लिए? ना, ना, मैं सरप्राइज देने आया था, मेरे को सरप्राइज दे दिया। क्या बात है यार। दोस्तों, आंटी के जन्मदिन पे एक और प्यारा सा गेस्ट। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इशारा दे रहा हूँ आपको मैं, बहुत बड़ी स्टार है वो, और कैमरे के पीछे खड़ी हुई है वो, खुद बताएंगी वो कौन है। आंटी के बर्थडे पे स्पेशल आई है। आना दीदी, एक बार आना, आ जाओ आ जाओ। ये आ गई हैं जो कि बहुत प्रेटी हैं, आप मिलो इनसे भी। दीदी स्प्रिट्सविला में आए थे, आप सब जानते ही होंगे। और इंस्टाग्राम होगा ना दीदी का, वो भी फॉलो करा दो। हाँ, इनका इंस्टा नीचे आ रहा, कम से कम 80 लाख फॉलोवर्स है मैडम के। 80 लाख है भाई, नहीं है तो हो जाएंगे। आंटी ये बताओ, आप अब तक का कैसा बर्थडे रहा? ये बेस्ट, द बेस्ट। क्या बात है, हमने थोड़े से एफर्ट्स लगाए थे कि आंटी के फेस पे स्माइल ले आए, पर सबके फेस पे स्माइल आ गई। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है।